हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसएससी में भी कई बार, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीयू में कई बार पूछा गया है, और इसको बच्चे गलत तरीके से करते हैं और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो मैं इसको बताऊंगा कैसे 1 मिनट के अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि एक सर्कल है और दो टेंजेंट आपको दिया हुआ है, पीटी और पीआर, ठीक है? और आपसे पूछा हुआ है कि लेंथ बताओ टेंजेंट की, जब पीआर की लेंथ 8 है। पीआर मतलब इस कॉर्ड की लेंथ क्या है? 8 है। देखो कॉर्ड की लेंथ 8 है और ये आपको 5 दे रखा है रेडियस। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि सर्कल से अगर कोई लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये हमारा 4 आ जाएगा, पूरा 8 है तो ये 4 4 में डिवाइड हो जाएगा, ये 5 है ये 4 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्स मानते हैं और ये हो जाएगा 3, तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा रेडियस है। तो दो चीज करते हैं, एक पीटीक्यू ट्रायंगल पीटीक्यू, और एक ट्रायंगल लेते हैं पीटी, और इसको मान लो एम, इस पॉइंट को मान लो एम। पीटीक्यू और PTM में पाइथागोरस लगा के फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर x की वैल्यू फाइंड करने के बाद किसी भी एक ट्रायंगल में पुट करके TP की वैल्यू निकालते हैं। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, आप इससे जा सकते हैं, लेकिन इससे बहुत लेंदी जाता है और कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से सवाल सॉल्व नहीं हो पाता। तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम देखिए बहुत आसान तरीके से बताएंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों। ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है पी क्यू एम, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो। तो जैसे ही इसको अल्फा मानोगे तो देखो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, सॉरी टेन अल्फा कितना हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से, टेन अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा हमारा हो जाएगा 3/4, 4/3, 4/3 किस ट्रायंगल में, पी क्यू एम में। और ऐसे ही बड़े ट्रायंगल में पी टी, ये किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पी क्यू एम। अब बड़ा ट्रायंगल क्या है, बड़ा ट्रायंगल है हमारा, बड़ा ट्रायंगल में हम देख लेते हैं एक बार, तो बड़े ट्रायंगल में देखिए पी टी क्यू में देखिए अगर ध्यान से, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ट्रायंगल पी टी क्यू, तो इसमें टेन अल्फा कितना होगा जरा बताओ, टेन अल्फा इस ट्रायंगल में कितना होगा, इस ट्रायंगल में होगा 5/TP, 5/TP, जो कि आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, सॉरी TP/5, ये होगा हमारा TP/5, TP/5 किस ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। अब टेन अल्फा दोनों सेम है तो दोनों को इक्वेट कर लो, जैसे ही इक्वेट करोगे तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4/3, तो सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टीपी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 20/3, और यही इस सवाल का क्या है, उत्तर है।